गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे सब्जेक्ट इज इंग्लिश। इन इंग्लिश योर सेकेंड चैप्टर इज एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, वी रेड दिस चैप्टर इन माई प्रीवियस वीडियो। नाउ वी विल एंड वी डिड सम क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व दैम ग्रामर, सम ग्रामर वर्क ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 21, कंपाउंड वर्ड्स। ओके, ए कंपाउंड वर्ड इज ए वर्ड फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? एक ऐसे फॉर्म होते हैं जिसमें कि टू वर्ड्स कंबाइन किए जाते हैं, जिन्हें कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेड प्लस बेड एंड रूम, जब इन्हें कंबाइन करते हैं तो मिलकर बनता है बेडरूम। सेकेंड है फूड प्लस फूड एंड बोल, जब इन्हें कंबाइन करते हैं तो फुटबॉल। लैप एंड टॉप, लैपटॉप। ओके, सो ये जो टू वर्ड्स होते हैं जब हम इन्हें कंबाइन करते हैं तो वो होते हैं कंपाउंड वर्ड्स। ओके, सो चूज वर्ड्स फ्रॉम कॉलम ए एंड मैच देम विथ दोज इन कॉलम बी टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स। ओके, ए और बी कॉलम में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, अब हमें उन्हें मैच करना है और नीचे जो बी में फिलअप्स दिए हैं उन्हें फिल करना है। फर्स्ट हमें ए एंड बी कॉलम में कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनको कंबाइन करना है और उनका एक वर्ड्स बनाना है। ओके, एक न्यू वर्ड बनाना है। ओके, और फिर उन न्यू वर्ड का करेक्ट कॉलम में उसे फिल करना है। ओके, सो फर्स्ट है इसका फिल इन द ब्लैंक्स विद द कंपाउंड वर्ड्स अबूव। ओके, जो ऊपर कंपाउंड वर्ड्स दिए गए उनसे ये कॉलम फिलअप करना है। सो फर्स्ट है द गिव अस द लेटेस्ट न्यूज़। ओके, तो यहाँ हो जाएगा न्यूज़पेपर। ओके, न्यूज़पेपर गिव्स अस द लेटेस्ट न्यूज़पेपर। सेकेंड है इसी का, देर इज ए ब्यूटिफुल इन द स्काई। वॉट इज ए ब्यूटिफुल इन द स्काई? द रेनबो इन, ब्यूटिफुल रेनबो इन द स्काई, तो यहाँ हो जाएगा रेनबो। ओके, सेकेंड कॉलम में होगा रेनबो। थर्ड, द ऑन ग्रामर वॉज वेरी इजी, द वर्कशीट ऑन ग्रामर वॉज वेरी इजी। थर्ड में वर्कशीट। वर्कशीट। फोर्थ, आई विजिटेड फेरी लैंड इन माई ड्रीम लास्ट नाइट, तो यहाँ हो जाएगा फेरी लैंड। ओके, आई विजिटेड फेरी लैंड इन माई ड्रीम लास्ट नाइट। फिफ्थ है इसी का, माई मदर बेक्ड ए डिलीशियस पैन केक फॉर मी, तो यहाँ हो जाएगा पैन केक। ओके, एंड सिक्स में है, अंजलि वॉज अनेबल टू सॉल्व द पजल बिकॉज द ब्लॉक्स वर प्लेस्ड अपसाइड डाउन, तो यहाँ हो जाएगा अपसाइड फिट। ओके, तो ये जो वर्ड्स है, ये जो मीनिंग्स है, वो टू वर्ड्स को कंबाइन करके बने, न्यूज प्लस पेपर न्यूज पेपर, रैन प्लस रैन एंड बो रैनबो, वर्क एंड शीट वर्कशीट, फेरी एंड लैंड फेरी लैंड, पैन एंड केक पैन केक, एंड अप एंड साइड अप साइड। ओके, तो ये हो गए कंपाउंड वर्ड्स जो कि बी का बी में फिलअप्स दिए हुए उसमें फिल करने हैं। यहाँ सिर्फ मैंने जो फिलअप्स में फिल करेक्ट वर्ड्स फिल करने वो राइट किए हैं, आप फिल करोगे अपनी बुक में। नेक्स्ट है इसका डिक्शनरी स्किल्स। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग, यू मे यूज ए डिक्शनरी फॉर हेल्प, तो इसमें क्या करना है? सर्किल करना है करेक्ट स्पेलिंग्स पे। ओके, यहाँ थ्री स्पेलिंग्स दी हुई है जो सेम प्रोनाउंसिएशन है, थोड़ा डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन उनका। ओके, सॉरी, सेम प्रोनाउंसिएशन में यहाँ स्पेलिंग्स दी हुई है, तो जो करेक्ट स्पेलिंग्स है वो उन पे हमें सर्कल करना है। सो फर्स्ट है डिक्शनरी स्किल्स में, स्किल्स
स्किल का फर्स्ट है, ए का फर्स्ट है एक्साइटेड, बी में भी एक्साइटेड एंड सी में एक्साइटेड, तो यहाँ हो जाएगा एक्साइटेड, फर्स्ट में हो जाएगा एक्साइटेड। ओके, तो जो एक्साइटेड सी वाली स्पेलिंग है उस पर सर्कल करना है। सेकेंड में होगा प्रेस्ड, बी प्रेस्ड प्रेस्ड बी। ओके, थर्ड इसमें होगा ट्रेजो ट्रेजो। ओके, फोर्थ में होगा फेवरेट। फिफ्थ में होगा मैगजीन। ओके, ये स्पेलिंग्स है, जो करेक्ट स्पेलिंग्स है वो मैंने यहाँ राइट कर दिया, एंड कौन से अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे ये करेक्ट स्पेलिंग्स है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी मैंने इनके आगे राइट किया है, तो उन उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। ओके, इसमें फोर्थ में हो जाएगा सी एंड फिफ्थ में फिर से ए। ओके, सो ये डिक्शनरी स्किल्स में जिन स्पेलिंग्स पे आपको सर्कल करना है वो मैंने राइट कर दिया है। नेक्स्ट है, टर्न द नेक्स्ट पेज। ओके, पेज नंबर 20। ओके, बिलो द पेज फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स। ब्लैंक्स फिल करने हैं सूटेबल आर्टिकल्स के साथ, कौन से? ओके, सो फर्स्ट है द बॉय बॉट एन एप्पल शेप्ड प्लेट। ओके, फर्स्ट में हो जाएगा द बॉय बॉट एन एप्पल शेप्ड प्लेट, तो यहाँ हो जाएगा एन। ओके, सेकेंड पिंकी फाउंड ए स्टोरी बुक ऑन द शेल्फ, ए स्टोरी बुक ऑन द शेल्फ। सेकेंड एसी का, थर्ड एसी का पेज नंबर 23। वन डे अंजलि नोटिस्ड ए न्यू होर्डिंग आउटसाइड हर हाउस, सो हियर वी राइट द वी विल राइट ए। ओके, इन फोर्थ ही पुट हिज कैट ऑन द सोफा, द एंग्री कैट स्क्रैश्ड द सोफा। ओके, सो यहाँ हो जाएगा दी एंग्री कैट स्क्रैच्ड द सोफा। एंड इन फिफ्थ अंजलि वेंट ऑन ए सफारी, इसमें थ्री फिलअप्स है, तो थ्री फिलअप्स में जो करेक्ट आर्टिकल्स है वो राइट कर रही हूँ और सबके बीच में कॉमा यूज कर रही हूँ। ओके, तो फर्स्ट फिलअप्स में होगा अंजलि वेंट ऑन ए सफारी, तो यहाँ हो जाएगा ए। फिर सेकेंड में द सफारी वॉज ए ग्रेट एक्सपीरियंस, तो सेकेंड में हो जाएगा दी दो। एंड थर्ड में हो जाएगा ए ग्रेट एक्सपीरियंस। ओके, सो ये हुए आपके आर्टिकल्स फिलअप्स। ओके, नेक्स्ट पेज पेज नंबर 24, फिर से आर्टिकल्स सॉरी प्रीपोजिशंस है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन, तो हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं प्रीपोजिशन से। बी, ये तो थे आर्टिकल्स। अब यहां है प्रीपोजिशन। ओके, सो फर्स्ट में होगा हिज बर्थडे फॉल्स ऑन 12
ट्वेल्थ में, हिज बर्थडे फॉल्स ऑन 12 मई. ओके सो फर्स्ट में होगा ऑन. वेयर विल यू गो ऑन संडे, वेयर विल यू गो ऑन संडे, तो सेकेंड में भी ऑन. थर्ड, इट रेन हैविली, इट रेन हैविली इन जुलाई दिस ईयर, इन जुलाई दिस ईयर. The supermarket is closed at night. The supermarket is closed at night. Fourth may at. In fifth, I will meet my friend at 11 a.m. I will meet my friend at 11 a.m. Okay. In sixth, Anjali, all books have not been read in many hours. In sixth, we use in. Okay. Seventh, Ria went home at lunchtime as she was unwell. At. In at. Did you attend a dance class on your birthday? So, in at, we will feel on, okay? Next, nine. The world made great progress in the 20th century. Okay, so ninth May. The world made great progress in the 20th century. So, we use in. On tenth number is, will we be able to travel to Mars in the 21st century? So, we use here in. Okay? So, we have done prepositions and articles also. So, these prepositions and articles you will fill in your book. Okay? So, next in this page, so next is listening and speaking skills. So here, listening, listen to the poem The Arrow and the Song by Harry Wordsworth, Longfellow and fill in the blanks. Okay, ये story है The Arrow and the Song. Okay, so इसमें हमें fill up, इसमें भी fill ups दिए हुए हैं, उनको correct word के साथ fill करना है. I shot an arrow into the air. First में होगा I shot. The Arrow and the Song. The arrow and the song. This is the name of this poem. Okay, this is the name of this poem, The Arrow and the Song. The arrow and the song. So first, I shot an arrow into the air. I shot. First fill up me hoga. I shot. Next, it fell to earth, I knew not where. It fell to earth. Earth, I knew not where. For so swiftly it flew their sight. So next mein hoga sight. Mein numbers nahi diye hue, toh fir main direct write karwa rahi hu, okay? शायद मैं राइट करवा ही देती हूँ फिलिप्स के नंबर. ओके सो थर्ड में, थर्ड लाइन में होगा फॉर सो स्विफ्टली इट फ्लू द साइट, साइट
Fourth, could not follow in it in its flight. Follow. Okay. Fifth, I breathed a song into the air. Song into the air. In six, it fell to earth, I knew not where. It fell to earth, I knew not where. For who has sight so keen and strong? Seventh line. Keen. Okay. At. That it can follow the flight of song. That it can follow the flight of song. Ninth. Long, long afterward in an oak. Long, long afterward in an oak. So ninth mein hoga oak. And tenth, I found the arrow still unbroke. I found the arrow still unbroke. 11, and the song from beginning to end. And the song from beginning to end. So 12, I found again in the heart of a friend. I found again in the heart of a friend. So in 12, we will fill the heart. Okay. So in first, short, second, art, sight, third, sight, fourth, follow. Okay. So first to jo fourth hai, wo to first stanza ke. Fifth, song. In sixth, fell. Seventh, keen. And flight. तो fifth to seventh है, ये तो हो गए first stanza के. Fifth to seventh है second stanza के. Okay? इस poem में three stanzas दिए हुए हैं, सब में four four lines है. तो first to fourth करने आपको first stanza में feel, and fifth to eighth करने आपको second stanza में feel, and ninth to twelfth करने आपको third stanza में feel. Okay? So we have done this chapter workbook, sorry, bookwork. So this bookwork is your homework. Note down, do in your book and send me on WhatsApp. Thank you. Have a nice day.